प्रिय दिव्य आत्मन, आप सबके हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व का बोध ही मोक्ष कहलाता है, निर्वाण कहलाता है, आत्मज्ञान कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, आत्म साक्षात्कार कहलाता है। अन्य शब्द हैं, परंतु यही परम पुरुषार्थ है। जीवात्मा का परमात्मा का आत्यंतिक अर्थों में जो एकत्व है, भिन्नत्व बोध का उच्छेदन और एकत्व का बोध ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठा है, मोक्ष का महामार्ग है। युगों युगों से हमने मान रखा है, मैं तो क्षुद्र क्षणभंगुर शरीरधारी हूं, मैं जीव हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, बताया गया है, सुनता रहा हूं। अब आप वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है अभी और यही जानो कि हमारे अंदर जो जीवात्मा है आत्यंतिक अर्थों में वही परमात्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है वही सर्वज्ञ है, जो जीव है वही शिव है। मूल रूप से ब्रह्म हो गया है, उपाधि भेद से अध्यास हो गया है, जड़ के धर्म को चेतन पर आरोपित कर दिया और चेतन के धर्म को जड़ को म्यूचुअल सुपर इंपोजिशन अध्यास कहते हैं। आगे इसका निरूपण करेंगे, आज कृष्ण कहेंगे कि जीव भाव में क्यों आया, क्यों ब्रह्म हो गया। अभी भी यहां ब्रह्म शुद्ध रूप में ब्रह्म ही है, माया का कभी भी स्पर्श हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। आप बताओ, दृष्टा का दृश्य से कभी संबंध हुआ क्या? विषयी का विषय से कभी भी संयोग संभव है क्या? अभी व्यवहार में देखो, पंचेंद्रियों के किसी भी विषय को लो और विषयी कौन है? मैं हूं विषयी, देखने वाला। कब संयोग हुआ? जिस समय संयोग होगा वह विषय बोध न होगा। इसलिए कभी भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, विषय और विषयी, जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिले नहीं, मिश्रण होने की कोई संभावना ही नहीं है, असंभव। क्यों? विपरीत धर्मी हैं। लोहे का या पत्थर का उस रूप में, अपने मूल रूप में दूध के साथ घी के साथ मिश्रण कर पाओगे? भस्मोग्रह बनाने के लिए विधिया है, वो करके अलग बात हो गई, लेकिन आम तौर पर पत्थर, पत्थर के टुकड़े को डाल दो, हजार वर्ष भी छोड़ो, क्या होगा, दूध में मिलेगा। यह जो क्षेत्रज्ञ है, यह जो जीवात्मा है, यह जो विषयी है, यह सदा अपने मूल रूप में, असंग रूप में रहा है, है कभी बंधन को, यह क्षेत्रज्ञ हुआ नहीं, लेकिन अध्यास के कारण इस तत्व को समझो। ब्रह्म ज्ञान की सबसे बड़ी जो गुत्थी, या जब से सबसे बड़ा ये जो मंत्र अध्यास का है, आगे में भी उसका, इसलिए अभी ही समझ लो, उसको सरल होगा ज्यादा समझना। अध्यास क्या है? वैसे आपको उतना कठिन नहीं होगा, मैंने यूं ही कल इसका निरूपण कर दिया था कि यहां पर कोई पारदर्शी दर्पण रख दो, शीशा रख दो, और ये पीला वस्त्र रख दो, पीला फूल रख दो, लाल गुलाब रख दो, तो उसी प्रकार का रंग लगता है कि उसका रंग उस शीशे का है, उसका धर्म है नहीं, लगता है। इसे म्यूचुअल सुपर इंपोजिशन कहते हैं, यही अध्यास है। उदाहरण, सीपी में चांदी का भ्रम, सीप में चांदी का भ्रम, मृग मरीचिका में जलाशय का भ्रम,
समुद्र के किनारे जो शिप होता है, शिप शिप नेकर जिसे बोलते हैं, चांदी चमकता है चांदी जैसा, उसका धर्म चमकना और बिल्कुल रंग उससे मिलता है, तो ब्रह्म हो जाता है ये चांदी है। चांदी कभी था नहीं, है नहीं, वो शिप है। रेगिस्तान में मई जून की दोपहरी में जब तापमान बहुत तीव्र होता है तो धरा से सूर्य की किरणें अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं जल के कणों को, तो जल के कण दिखते हैं, उन चमकते हैं, वही कण उन किरणों के माध्यम से उनमें भ्रम हो जाता है, ये जलाशय है, जलाशय वहां नथान है। लेकिन जलाशय का धर्म पानी का उपस्थित होना, यहां पर भी पानी किसी न किसी रूप में किरणें ऐसी चमकती हैं जैसे कि पानी है, भ्रम हो जाता है। इस सच्चिदानंद को बिल्कुल विपरीत भ्रम हुआ था, लेकिन था वह भी अध्यास ही, कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक जाना था, यह 1999 की बात है, त्रिवेंद्रम से आया, त्रिवेंद्रम रिसर्च करने गया था, रुका था, बल्कि आज चलते हैं वहां, आते हैं घूम के, विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और अरेबियन सी, ये तीनों का मिलन बिंदु है। बड़ा ही सुंदरतम सृष्टि में जहां कहीं भी सुंदरतम दृश्य है वो एक दृश्य है अपने आप में, तीनों मिल रहे हैं, दिखते हैं। तो उतरा वहां पर बस से या टैक्सी से, कहीं उतरा बस स्टैंड वगैरह पर और चला आगे की तरफ, लोगों ने कहा कि बिल्कुल पास में है, और वहीं से उतरा तो ही वहीं से ही दिख रहा था, वह महासागर ही था। 3-4 मिनट रोड पर चल रहा है पैदल, तो उसे लग रहा है कि सच्चिदानंद को अपने पहले पूर्व जन्म के संन्यास के पूर्व वाला, तो उसे दिख रहा था रेगिस्तान, उसे लग रहा था कि तो रेगिस्तान है। फिर सोचा ये लगता है दूर जाएगा, दूर पैदल चलना पड़ेगा, कुछ और कोई टैक्सी वगैरह लेनी पड़ेगी, महासागर तो दिख नहीं रहा है, तो ये रेगिस्तान है। लेकिन देखिए कारण दोनों को एक है, रेगिस्तान में जलाशय और जलाशय रेगिस्तान की तरफ, क्योंकि श्वेत दिख रहा था और अनंत महासागर जैसा, तुम मुझे रेगिस्तान जैसा। अचानक 2-3-4 मिनट बाद यही है, जब तरंगे दिखी तब लग यहीं पर तो हो बिल्कुल, लोगों ने कहा था कि बिल्कुल समुद्र के तट पर ही है वहां पर बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड। धर्म यहां पर, धर्म एक दूसरे पर आरोपित हो गए, यही हमारे साथ हुआ है, सभी जीवों के साथ। जो कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मांड में, कल बताया और आज भी फिर उसको रिपीट करेंगे दूसरे श्लोक में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में, कि हे अर्जुन सृष्टि में जहां कहीं भी जो कोई भी अस्तित्व है, पदार्थ है, जीव है, उन दोनों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही अभिव्यक्त या उत्पन्न हुआ जान। अब संयोग कहने से लग रहा अच्छा मिश्रित हो गए, बिल्कुल नहीं हुए, तो किस रूप में मिलन हो गया जड़ का चेतन से, कभी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, उपाधि के साथ तादात्म कर लिया है इस चेतन ने। ये बोलना, बोलने की क्रिया जो हो रही है, वास्तव में ये जो देह के धर्म हैं, ये सब क्रियाएं देह के धर्म हैं, उपाधि के कर्म हैं, लेकिन चेतन सत्ता के अभाव में जड़ कोई कर्म या गति या कुछ कर नहीं सकता है। तो जो शक्ति है, जिसकी वैदांतिक लिटरेचर में एक ही शब्द है, द प्रॉक्सिमिटी, सन्निधि मात्र से वह स्पर्श कभी नहीं करता, जड़ चेतन को कभी स्पर्श नहीं करता। आत्मा ने न शरीर को स्पर्श किया है, न शरीर ने आत्मा को, यह बात याद रख लीजिए। अनादिकाल से, वेदांत दर्शन बोल रहा हूं, अनादिकाल से अनादि सृष्टि आई गई, काल गए गए, लेकिन कभी भी जड़ ने चेतन को स्पर्श नहीं किया, चेतन ने जड़ को स्पर्श नहीं किया। जिस प्रकार से दर्पण में आप देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिस किसी का भी, किसी कपड़े का प्रतिबिंब, जो कुछ भी उसमें देखें, आग का उसमें प्रतिबिंब देखें, आग का बिंब उसका प्रतिबिंब, जलाशय का प्रतिबिंब,
दर्पण में जलाशय ने न दर्पण को भिगोया, न उसमें प्रविष्ट हुआ, न स्पर्श किया। आपका प्रतिबिंब यहाँ पर जो अभी मोबाइल में भी देखोगे, जो दिख रहा है, तो मोबाइल को स्पर्श किया नहीं, किया कभी नहीं, न मोबाइल ने आपके प्रतिबिंब को स्पर्श किया। यही है अध्यास, यही अज्ञान है, यही जन्म मृत्यु का कारण है, यही बंधन है। इसकी निवृत्ति मात्र ही मोक्ष है। अभी तत्काल आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार इसे ही कहा जाता है। हमने तादात्म उस जड़ को चेतन के साथ मिश्रित मान करके अपने को जड़ की तरह लगता है। क्यों? मैं तो इतना दिन पहले जन्म हुआ, इतने देर बाद मर जाऊंगा, ये मेरा धर्म न मेरा जन्म हुआ है, न मेरी मृत्यु हुई, और कालखंड में मैं सब काल मुझ में, मैं किसी काल में नहीं, मैं कालों का काल हूं, देवों का महादेव हूं, मेरा जन्म कहां? ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड मुझ में उत्पन्न से प्रतीत होते हैं। मैं स्वयंभू सत्य हूं, शाश्वत सत्य हूं, अनादि हूं। लेकिन शरीर के धर्म को आरोपित कर लिया मैंने, शरीर का तो जन्म हुआ है, तो शरीर का जन्म हमने आरोपित कर लिया, और शरीर की मृत्यु होगी मैंने मान लिया, मेरी मृत्यु होगी, शरीर को रोग हो रहा है मैंने मान लिया, रोगी मैं हूं, यानी क्षेत्र के धर्म को क्षेत्रज्ञ पर आरोपित कर लिया। और क्षेत्र कभी क्रियमान हो नहीं सकता, क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं, तो क्षेत्र जो ये क्षेत्र है, पंच कर्मेंद्रियां, पंच इंद्रियां, ये सारा शरीर अब क्रियमान दिख रहा है, ये क्रियमान सा दिखता ये जो क्षेत्र है, जो अगर जड़ है तो क्रियमान कैसे है, यह चेतन की सत्ता से क्रियमान हो रहा है। इसलिए अब मानते हैं नहीं नहीं, ये देखो आत्मा है, ये मैं हूं, मेरा हाथ, ये भ्रम हो गया। इस शरीर, इस देह, इन इंद्रियों को किसी की एक क्षण की कोई अपने गुण में वर्तने, कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं, वो शक्ति चेतन की है। तो हमने धर्म मान लिया, मैं देख रहा हूं, मेरी आंख देख रही है, मेरी बुद्धि सोच रही है, मेरा मन, ये सब जड़ है। इनको चैतन्य प्रकाश की ऊर्जा, जिस प्रकार से बिजली की ऊर्जा यहां पर माइक भी काम कर रहा है, उससे ये मोबाइल भी, ये ट्यूबलाइट भी, फैन भी, सब कुछ, वह ऊर्जा नहीं रहेगी तो उसी प्रकार से एक जो चैतन्य प्रकाश है, लेकिन उसने स्पर्श नहीं किया, इसमें तो बिजली ने स्पर्श किया है उपकरणों से कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से जो चेतन है, सन्निधि मात्रम, इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस अलोन एवरी एक्ट, एवरी परसेप्शन, एवरी एक्सपीरियंस इज पॉसिबल, बट द प्योर कॉन्शियसनेस नेवर एक्ट्स, नेवर परसीव्स। इट रिक्वायर्स द उपाधि ऑफ द माया, द इक्विपमेंट्स ऑफ द सेंसेस। शरीर और इंद्रियों की उपाधि से ही देखने की क्रिया होती है। तो सबसे बड़ी जो गुत्थी और बंधन का, अज्ञान का, दुख का जो कारण है, यही अध्यास। मैं चेतन हूं, मैंने जड़ के साथ अध्यास कर लिया। मैं पुरुष हूं, मैंने प्रकृति के साथ अध्यास कर लिया है। मैं नित्य दृष्टा हूं, मैंने दृश्य के साथ अध्यास कर लिया। मैं क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्र के साथ मिश्रित होने का भ्रम हो गया है। मैं शाश्वत नित्य विषय हूं, लेकिन विषय के साथ तदात्म कर लिया। जितने भी ब्रह्मांड के विषय जो दिख रहे हैं, जिनके पीछे भाग रहा हूं, प्रेसी के पीछे, प्रियतम के पीछे, सौंदर्य के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, वैभव के पीछे, मकान, दुकान, महल, जो कुछ भी मुझसे परे विषय के रूप में है, वो जड़ है, वो क्षेत्र है, वो माया है। उसमें प्रियता का बोध, उसमें ऐश्वर्य का भाव, मैं आरोपित, मेरे चेतन का ऐश्वर्य है, मेरे चेतन का सत्य, मेरे चेतन का चित, मेरे चेतन का आनंद, उस प्रेसी में, उस प्रियतम में, उस महल में, उस सुंदर पहाड़ियों में, जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो कुछ भी सौंदर्य है, उसमें मेरी आत्मा की छाया अभिव्यक्त हो रही है। चेतन का ही सौंदर्य है, चेतन का ही आनंद है। प्रेम किसी जड़ में संभव नहीं है। इंद्रिय भोगों में, प्रियतमा में, प्रियतम में,
प्रेमालिंगन की जो अनुभूति जो हो रही है कि ये शरीर का या इंद्रियों के मिलन का भोग का ये आनंद है, ये मिथ्या है। जब उस तत्व को जानो, जड़ में सुख कहां से, बार बार मेरे गुरुदेव बोलते थे, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, अस्थूल सूक्ष्म कारण सब जड़ है, जड़ में सुख है कहां, धर्म ही नहीं उसका, पत्थर में खोज रहे हो औषधि, पत्थर में भोजन, पत्थर में सुख, पत्थर से प्रेम खोज रहे हो। भाषा के लिए बोल रहा हूं, समझने के लिए रूपक। समस्त प्रेम, समस्त ऐश्वर्य, समस्त आनंद तेरा है, एकाधिकार है। यू एज प्योर कॉन्शियसनेस हैव द मोनोपोली ओवर ऑल लव, ब्लिस एंड ब्यूटी। देयर इज नॉट अ सिंगल आउंस और एटम ऑफ लव, ब्लिस एंड ब्यूटी एनीवेयर आउटसाइड माय आत्मन, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। दैट इज द इम्फेटिक सर्टन कंक्लूजन ऑफ वेदांता, एंड दैट आई एम। वह चैतन्य सत्ता कोई और नहीं, मैं हूं, मेरी आत्मा, मेरा मैं। इसलिए इस अध्यास का उच्छेदन करने के लिए, इस अज्ञान का भेदन करने के लिए आइए आज आत्मबोध शिविर के छठे दिन। वास्तव में ये गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है, मैंने सूचित भी किया था, आत्मबोध के निमित्त ही, लक्ष्य आत्मबोध है। तो प्रस्थानत्रय का यह जो स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, उपनिषद है, और न्याय प्रस्थान या युक्ति प्रस्थान बोलते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र को, तो ये सबके सब आत्मबोध की ही विद्या है। लेकिन आम लोगों को यह भी पता नहीं है, तो बोल के आत्मबोध हो रहा है, उधर तो भगवत गीता पर प्रवचन लिखा है, का कह रहा पता नहीं भगवत गीता है क्या, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। तो ये पिछले 6 दिन से गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, स्मृति प्रस्थान जिसे कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता उसके 13वें अध्याय पर। और ये जो अध्यास की समस्या है, जड़ पर चेतन आरोपित और चेतन पर जड़ आरोपित, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन ऑफ अदर्स एट्रीब्यूट्स इज द रूट कॉज ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग। दूसरे का धर्म दूसरे पर, अन्य के धर्म को अन्य पर आरोपित कर दिया माया ने, इसी का तो उच्छेदन करना है, निषेध करना है, जान करके कि मैं कभी भी जड़ से मिला नहीं, मैं चेतन हूं, जड़ से विरोधी धर्म। ध्यान दीजिए आदिशंकर के भाष्य में, बोथ आर ऑफ कंट्रेरी नेचर। पत्थर को तेल से मिलाओ तो, मिश्रण करो तो, जल में भी पानी आप देखते हैं तैरता है, विरोधी मिश्रण नहीं हो जाता है। घी मिल सकता है, फैट जितने प्रकार के हैं दूसरे से थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, लेकिन पानी में न घी मिलता है न तेल मिलता है, विरोधी स्वभाव के हैं। फिर भी यह जो जड़ चेतन है, ये तो 1 बिलियन टाइम्स मच मोर कंट्रेरी, कहीं कभी भी इनमें कोई समानता नहीं। जड़ का चेतन से कभी संपर्क हुआ ही नहीं, इसमें जो आत्मा है अर्थात जो देही है उसका देह से कभी संबंध हुआ ही नहीं, असंभव है। इसके अंदर जो शरीर के अंदर शरीर ही है, न शरीर ने शरीर को स्पर्श किया, न शरीर ने शरीर को स्पर्श किया, दोनों विरोधी हैं, कल्पना मात्र है, आभास मात्र है। तो आइए आज लेंगे 24वें श्लोक से 28 श्लोक तक 5 श्लोक। योगेश्वर कृष्ण की कृपा से ये पहली बार मेरे जीवन में भी होने जा रहा है कि एक अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का पहले श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक हमने किसी ज्ञान यज्ञ में, आज जो भी कुछ करता हूं आत्मबोध शिविर, तो ये पहली बार, अन्य जगह भी किया तो कुछ 2 दिन का था या 7 दिन का भी था तो पूर्ण नहीं था। हिमाचल प्रदेश में माताजी के घर पर जो हुआ था, वहां पर मंडी जिले में चुराग में 6वें अध्याय पर हुआ था, लेकिन 30 या 32 श्लोक तक गए थे।
तो इस 13वें अध्याय के 34 श्लोक हैं, 34 के 34 कल पूरे हो जाएंगे परमात्मा की कृपा से। आज लेते हैं 24 से 28 श्लोक, और ये जो बता रहा हूं आपको पहले बता दिया, इसे आसान हो जाएगा, इन्हीं का निरूपण करेंगे, मूल तत्व यही हैं। और आज दो सूत्र बड़े क्रांतिकारी आपके समक्ष कृष्ण रखेंगे। एक बात याद कर लीजिए, जो 27वां और 28वां जो श्लोक हैं, अगर आपकी वेदांत में अभिरुचि नहीं भी, आपको ब्रह्मज्ञान नहीं भी चाहिए, अगर मोरल लेसन के रूप में या विश्वास भी थोड़ा सा हो जाए, मेरी गारंटी है एक हफ्ते में आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। अगर उसके दर्शन को नहीं समझे, वेदांत नहीं भी समझे, लेकिन जो कह रहे हैं कृष्ण, जो तत्व बता रहे हैं, उस पर विश्वास करके आप अपना सब गतिविधि जीवन यापन करते हुए भी उस तत्व को याद रख पाए, तो एक घटना तो एक दिन में घट सकती है, लेकिन एक हफ्ते में सब कुछ आपका बदल जाएगा। मन बुद्धि को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वह दो बात जो कहेंगे इतना स्पष्टता से, वो संपूर्ण सनातन धर्म की आत्मा है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। ओम हरि ओम। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कोई बहुत अब नई बात नहीं करेंगे, जो कह चुके हैं ना उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, उपसंहार समेट रहे हैं हम भाषा में, जिसे कहते हैं कि जिससे कि आपका पथ और स्पष्ट हो जाए, आपका लक्ष्य और स्पष्ट हो जाए, नजदीक हो जाए। तो बड़ा सुंदर ये कह रहे हैं, जहां संघर्ष चलता है कि बस यही मार्ग मेरा मार्ग, तो भगवान कृष्ण यहां पर ये दो श्लोक 24 और 25 में बड़ी विशाल उदारता का परिचय दे रहे हैं। संकीर्ण भाव से नहीं कह रहे कि मेरे को ही यही मार्ग वो, नहीं, यहां पर बहुत तरह की विधियां बता रहे हैं, बहुत तरह की नहीं, लेकिन बोलते हैं अन्य में बोले थे कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ये भी करते हैं, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पर ये तीन इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, किसके लिए, आत्मबोध के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। ये बोल रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं, योगी हैं, वो ध्यान के मार्ग से, ध्यान योग से अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोग सांख्य योग के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं, और कुछ लोग कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म योग से उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब जो शंकर वेदांत और आदि शंकराचार्य के अनुयायी हैं, अगर गहन अर्थों में शंकर को नहीं जानते हैं, तो पट से यहां पर करेंगे शंकराचार्य का द्वैत वेदांत का, तो यहां पर कृष्ण से बहुत जोरदार मतभेद है। वहां कहते हैं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। शंकराचार्य क्या उपनिषद ही कहते हैं, शताशतर उपनिषद, श्रेष्ठ उपनिषदों में, कि कोई मार्ग नहीं है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग मार्ग ही सांख्य योग है, जो अभी हम जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये ज्ञान मार्ग है, शुद्धतम प्रकृति पुरुष जड़ चेतन का भेद जानना, शरीर शरीर का भेद, देह देह का भेद, ये ज्ञान मार्ग है, चिंतन का विषय है, इसमें ध्यान योग कुछ नहीं करना, किसी मंत्र का कुछ नहीं, ये सांख्य योग है, ज्ञान योग। उसके पहले कहते हैं ध्यान योग से, लेकिन आप याद रखें ये ध्यान योग पातंजल योग का ध्यान नहीं है, वह ध्यान योग मैंने 6वां अध्याय जो माता जी के यहां हिमाचल में इनके घर पर जो हुआ था, वह ध्यान योग जो 6वां अध्याय है भगवद गीता का, वह ध्यान योग और ये सांख्य योग कह रहे हैं, तो यह जो ज्ञान योग अभी जो चल रहा है, और तीसरा क्या कहते हैं, निष्काम कर्म योग। यहां पर आदिशंकर के भाष्य और अन्य कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि तो क्या ये तीन मार्ग हैं, बिल्कुल तीन मार्ग हैं, लेकिन फिर आदिशंकर क्या कहेंगे, द्वैत वेदांती क्या कहेंगे, तो आपको बताता हूं। पहली बात कि
ये जो ध्यान योग है तो पातंजल योग दर्शन का ध्यान नहीं है। क्यों? उसकी परिभाषा क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, सिसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन से योगा या ध्यान है उनके अनुसार, परम परिणति है। यहां पर वह नहीं है, यहां ध्यान की दूसरी विधि है जो निधि ध्यासन आम भाषा में जो बोलते हैं, क्या है? डायनेमिक एक्टिव कंटेम्पलेशन ओवर द ट्रुथ। किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जो शास्त्र सम्मत जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वेदांत वेद्य, तो ये अभी करेंगे। आज आज की साधना जो संपन्न होगी जब प्रवचन प्रारंभ को, तो बड़े वैज्ञानिक तरीके से 5 स्टेप बता रहा हूं मैं, इसको समझ अभी लीजिए, करेंगे साधना उस वक्त। यह ध्यान क्या है? पातंजल योग दर्शन जो राजयोग विवेकानंद ने कहा, तो वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये ध्यान क्या है? वेदांत सम्मत ध्यान है जो अपरोक्षानुभूति में जगत गुरु आदि शंकर आचार्य ने यह बताया है। ध्यान वह ध्यान है, उसकी विधि क्या है बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा। क्या करना है उस ध्यान में? 2 मिनट 3 मिनट आप जो आंख बंद कीजिए, 5 इसके स्टेप है इस ध्यान के। ये ध्यान योग है लेकिन वेदांत का ध्यान योग है। तो 5 पहला स्टेप क्या है? ध्यान हमारा अभी कहां है? जीव जो ब्रह्मांड के जितने जीव हैं इन सब का ध्यान अपनी पंचेंद्रियों के 5 विषयों में नित्य भाग रहा है। तो पंचेंद्रियों के 5 विषयों को 5 विषयों से हटाकर पहले इंद्रियों कौन भाग रहा है? हमारी पंचेंद्रियां बाह्यमुखी होकर भाग रही हैं, तो उन्हें बाह्यमुखी जो उनका विषय है उससे हटा करके इंद्रियों में उसको विलीन करो। आंख का विषय क्या है? रूप। नासिका का क्या है? गंध। ये 5ों के अलग अलग हैं, उसको अपने केंद्र पर लाओ। देखने वाला कौन है? देखने वाला ही नहीं रहेगा, उसने मना कर दिया मैं नहीं देखूंगा, तो वहीं पर आकर के वहां आ गई। अगर मैंने कुछ देख रही है, कोई आकर्षक वस्तु दिख जाती है, आंख खोल लेते हैं, मैंने कहा नहीं देखना, मुझे आंख बंद कर दिया, ये समेट लेना हुआ, दिस इज फर्स्ट स्टेप। या कान को भी मैंने कहा नहीं नहीं बंद कर लो, नहीं सुनूंगा मैं। आप पहला स्टेप, विदड्रॉ योर सेंसेस फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वेदांतिक ध्यान है जो ब्रह्म ज्ञान कराता है अभी यही। सेकेंड स्टेप, इंद्रियों का स्रोत कहां है? इंद्रियों का स्रोत है मन। अब पंचेंद्रियों को पुनः उनके विषयों के साथ मन में विलीन करो। विथड्रॉ द फोर 5 senses विद देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स इनटू माइंड। इन सब का राजा है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का भी। तो अब मन में इनको डिजॉल्व कर दो, वापस ले आओ वहां पर, वावो बैक टू द सोर्स दैट इज द माइंड। मन में आ गए, कोई चिंतन नहीं। अब मन को कहां ले जाओ? मन को फिर बुद्धि में विलीन करो, जो निश्चयात्मिकता शक्ति है, अंतःकरण की 4 शक्तियां, बुद्धि मन चित्त और अहंकार। बुद्धि डिटर्मिनिंग फैकल्टी, निर्णय करती है सत्य है असत्य है, गलत है सही है, जाऊं नहीं जाऊं, सत्संग सुनूं नहीं सुनूं, क्या करूं, ये मन नहीं करता, ये बुद्धि निर्णय करती है। मन तो संकल्प विकल्प करता है, करूं नहीं करूं, क्या करूं, कामना करता है, वासना करता है। तो मन को विलीन कर दो निश्चय करके बुद्धि में। और अब अंतिम केंद्र पर पहुंच गए, ब्रह्मांड के अधिष्ठान पर पहुंच गए, और बुद्धि को उस महत्व को कहां विलीन करो? आत्मा में, उस क्षेत्रज्ञ में जो साक्षी चैतन्य है, वह क्षेत्रज्ञ जो ब्रह्म है, वह आत्मा जो परमात्मा है, वह जो चेतन तत्व तुम्हारे बुद्धि का अंतःकरण का प्रकाशक है, उसमें विलीन कर दो। ये ध्यान है वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म के जानने बोध करने उपलब्ध होने का जो वेदांत में जो ध्यान है वह यह ध्यान है। और इसे तत्काल उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, क्योंकि बार बार कह रहे हैं
वह मेरा केंद्र है हृदय अर्थात मन बुद्धि, मन बुद्धि का प्रकाशक वह है। अब कहीं दूर से कोई चला, हरिद्वार स्टेशन से चला, आनंद उत्सव आश्रम आना है, चलो वहां से आनंद उत्सव आश्रम आ गया, आनंद उत्सव आश्रम के गेट पर आ गया, गेट से बोला चले जाओ वहां पर मंदिर है वहां पर, फिर मंदिर से कहां पर आए, यहां पर आए। अब मंदिर के अंदर आ गया तो यहां पर या तो बल्ब है या मुझे देखना है किसी को, तो मैं यहां पर अंदर में पड़ा हूं, मैं वहीं पर पड़ा ही हूं, मैं प्रकाशक हूं, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मन बुद्धि का नित्य, नहीं तो कोई वहां पर अस्तित्व नहीं। ये इस मंदिर के अंदर अगर बल्ब न रहे, लाइट न रहे, रात का अंधेरा 12 बजे हो तो कुछ न दिखेगा, लेकिन बल्ब को जलते हुए बल्ब को ढूंढने के लिए दूसरे प्रकाश की, ये बड़ा गहन तत्व है, आदिशंकर बार बार बोलते हैं कि एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जो सेल्फ ल्यूमिनस है, इसलिए यहां पर जो हमारी अंतरात्मा जिसे कहते हैं, जो हमारे मन बुद्धि का प्रकाशक है, उसे देख, वही तो सबको देखता है, उसे देखने के लिए किसकी जरूरत, यही बताने के लिए कहते हैं बार बार आदिशंकर और उपनिषद कि स्वयंभू प्रकाश है, सेल्फ ल्यूमिनस है। एक कमरे में अगर बल्ब है तो उस जलते हुए बल्ब को देखने के लिए क्या दूसरे लैंप की जरूरत है, नहीं, अगर बुझा हुआ है नहीं जल रहा है तब, इसलिए वह जो चेतन तत्व है जो सबको देखता है तो उसे देखने के लिए किसकी जरूरत है, वह स्वप्रकाशक तत्व, उस पर जाकर केंद्रित कर देते हैं ध्यान के द्वारा, और वहां पर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करना है पातंजलि योग के अनुसार, वही उसी के लिए मंत्र दे देते हैं जो कर रहे थे साध से, सोहम या अनंत मंत्र है, जहां पर ये हमने देखा ना वहां पर जाकर कि अब मैं जो भाग रहा था पहले कहां, पंचेंद्रियों के विषयों में भाग रहा था, पंचेंद्रियों को विषयों से हटा करके पंचेंद्रियों में लाया, पंचेंद्रियों को मन में लाया, मन को बुद्धि में विलीन किया, और बुद्धि में जाकर देखा अर्थात अंतःकरण में जाकर देखा तो वह जो चैतन्य प्रकाश है वह भौतिक प्रकाश नहीं है, वह दिव्य प्रकाश है, सर्व प्रकाशों का प्रकाशक है। कल जो बताया था ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, उस ज्योति की बात हो रही है, उस पर ध्यान करना है, उसके लिए मंत्र अनंत मंत्र है, जो जीव और शिव का एकत्व, जीव से ब्रह्म का एकत्व, जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व, तो वही तो बोलता है सह अहम सोहम, वहां पर इस ध्यान से तत्काल उस साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है ब्रह्म की, ये निरूपित कर रहे हैं कृष्ण, एक विधि पूर्णता में यहां पर बता दी गई आपको अभी। अब इसमें उन्होंने इसे नहीं दिया कि ये ध्यान योग से, इस विधि से, सांख्य योग से, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग या जड़ चेतन दृष्टा दृश्य विषय विषयी का जो भेद है उसका सम्यक चिंतन, उसमें ध्यान नहीं करना है, उसका सम्यक बोध हो जाए कि सत क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, देह क्या है, देही क्या है, शरीर क्या है, शरीर, इन दोनों का भेद, इसी के लिए मैंने बताया म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन अध्यास, ये अध्यास के कारण जो दोनों मिश्रित प्रतीत हो रहे हैं एक दूसरे में, उसका भेद कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का क्या भेद है, क्या अंतर है, यह जानने के पश्चात वह स्वतः बोध में आ जाता है कि ये जो जड़ है मुझ में ही कल्पित है, समस्त जो दृश्यमान जगत है मेरा वास्तव में उससे कोई संबंध नहीं है, मैं एक सद्वस्तु हूं, दृष्टा के रूप में, चेतन के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में, आत्मा, अन्य अन्य नाम बोल रहा हूं 50 लेकिन एक तत्व एक है, तो मैं वह चेतन तत्व हूं और मुझ में जो कुछ भी दिख रहा है प्रतीत सा हो रहा है वह भ्रांति मात्र, माया मात्र है, माया जनित है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मेरी कल्पना मात्र से वह अस्तित्व पा रहा है, एकमात्र सदवस्तु मैं हूं। इस पर चिंतन मनन, इसके लिए भी मंत्र सोहम भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन चिंतन मनन स्पष्ट रूप से ध्यान इसमें, यही तो कहते अष्टावक्र का ये मार्ग है, अष्टावक्र तो ध्यान को कंडेम करते हैं कि तुम्हारा, हे जनक, तुम्हारा तो यही बंधन है, यही अज्ञान है कि तुम ध्यान का आयोजन करते हो, तो उससे बहुत आगे की बात करते हैं, वो ज्ञान समाधि की बात करते हैं, वो सह समाधि की बात करते हैं, और वही सह समाधि क्या है,
बोध हो जाना कि ये जो दृश्यमान जगत मेरी अनुभूति में आ रहा है ये जड़ है, ये कल्पित है, ये स्वप्नवत है, ये मायामय है, एकमात्र सद वस्तु मैं हूं, यह जान लिया, खुली आंख से नाचो गाओ जो करो संसार चलाओ, मुक्त हुए, उस पर कोई सिद्धांत लागू नहीं हुआ, वह गार्हस्थ है कि सन्यासी, न पाप उसको सब कृतकृत्य शब्द बार बार बोलता हूं, उसका व्यवहारिक अर्थ समझे, कृत मीन्स इंजंक्टिव और अकृत्य प्रोहिबिटिव, डूज एंड डोंट्स बोलते हैं किसी में, कि ये धर्म निषिद्ध है और धर्मसम्मत कर्म है परमहंस के लिए या ब्रह्मज्ञानी पर कुछ भी, वो दुनिया के, इसीलिए तो कृष्ण ही कहते हैं 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, बड़ा खतरनाक लगता है, जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ, तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुआ, वो समस्त सृष्टि का भी विनाश कर दे, उसका कुछ लेना देना नहीं, हो जाए तो उसको कुछ नहीं लगता है। यस्य श्लोक ये है इस प्रकार से। आज से कुछ 9-10 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर है उसके बगल में एक बहुत बड़ा गांव, वहां प्रवचन कर रहा था, तो इस मंत्र को वहां पर भगवद गीता पर प्रवचन चल रहा था, तो दो बच्चे जो कुरुक्षेत्र जो इस देश का सबसे बड़ा आर्य समाज का श्रेष्ठतम गुरुकुल है, बड़े ही उसमें एडमिशन बड़े कठिनाई से होता है, तो दोनों बच्चे जो करवा रहा था जिसका ठहरे थे तो वो भी सुन रहे थे, तो इसी श्लोक को कि ये हत्या भी कर दे, सारी सृष्टि का विनाश भी करते, कुछ तो अपने दादाजी से सुबह में मैं चलने की, दादाजी ये स्वामी जी कह रहे थे, वहां पर पढ़ाया जाता है कुरुक्षेत्र गुरुकुल में भगवद गीता, वो रट रहे थे, रटे भी था लेकिन बड़ा मूल, दादाजी ये स्वामी जी कल जो बता रहे थे कि ये व्यक्ति अगर संपूर्ण सृष्टि का नाश भी कर देता है तो ये कोई दोष नहीं, ये कैसी बात है, ये कौन सी विद्या है ये बताओ, यही कह रहे हैं कृष्ण, क्या कह रहे हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते तस्या बुद्धिर्भावो न लिप्यते हत्वापि इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। सृष्टि में ऐसा अटपटा श्लोक मिलेगा ही नहीं, ये कृष्ण कह रहे हैं कि जो अहंता ममता भाव से मुक्त हुआ, अर्थात तात्विक अर्थ में कह रहे हैं कर्ता भोक्ता भाव से जो मुक्त हो गया, जान लिया कि मैं न करता हूं न भोक्ता हूं, वो इस सृष्टि का सर्वनाश भी कर दे तो न वो उसने कुछ किया न कुछ भोगेगा, वो मुक्त है। ये गहन तत्व यही यहां पर बताने की, हमारा सारा दोष, हमारा सारा पुनर्जन्म, हम कर्ता भोक्ता और समस्त कर्ता भोक्ता भाव किसमें है, जड़ में है, चेतन सदा अकर्ता अभोक्ता है, समस्त कर्तापन का भाव, हमने युग युग से अपने को कर्ता माना है तो भोग रहे हैं और भोग के लिए जन्म ले रहे हैं, जब जान लिया, इसीलिए जो जीवन मुक्ति विवेक है स्वामी विद्यारण्य की, परमहंस सन्यासियों के लिए अवधूतों के लक्षण, उसमें बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन दूसरे लोग इस पर कदाचार दुराचार करने के लिए प्रयोग करें उससे कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, कि उस परम तत्व को जब प्राप्त हो गया तो देखेगा परमहंस या अवधूत कभी नारियों के साथ महिलाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा है, कभी पिशाचमत जंगल में अकेला पड़ा हुआ है खूंखार शेरों के साथ में, कहीं अट्टहास कर रहा है, कहीं लगता है किसी का ऐसा क्रोध करेगा हत्या, लेकिन उसके कुछ सब ये स्वांग होते हैं, उसका मूल रूप में वहां पर उस पर कुछ भी लागू नहीं होता है, वह प्रतिष्ठित है अपने ब्रह्म स्वरूप में, ऊपर से व्यवहार कुछ भी होंगे उसके धर्म उसको स्पर्श नहीं करेंगे। तो ध्यान मार्ग बताया, दूसरा ज्ञान मार्ग बताया, चिंतन का, कंटेम्पलेशन का, कि सत्य का असत्य से, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का, विषय से विषयी से, जड़ से चेतन से, शरीर का शरीर से, अंतर जान लो, बस कोई ध्यान नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं, बस मुक्त हूं मैं हूं वह चेतन जान लो, गहरे में बैठ जाए, लेकिन भ्रम पाल लेते हैं अधिक लोग, फटाफट जाकर के घोषित कर देंगे कल लोग, मैंने तो जान लिया जड़, मैं चेतन हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं तो मुक्त हूं, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मूर्खता नहीं, बोध हो जाए, अनुभूति में आ जाए, अनुभूति में आ जाए, हां, और साधना कुछ दिन करने पर अनुभूति में आ जाएगा कि कैसे यहीं पर दिखेगा कि सब के सब, और देखा है हमने, देखा है, ऐसे नहीं बोल रहा, तब उसकी आप गहरे ध्यान में, इवन पतंजल योग दर्शन वाला जो उस मार्ग वाला भी जो ध्यान गहराई में आप जाए सब दिख जाएगा, सब मर जाता है, उसकी बड़ी उपयोगिता है प्रारंभिक अवस्था में, इसको जो पहली अनुभूति 40 साल पहले हुई थी उसी मार्ग से हो गई थी,
मुझे बाद में पता चला अब सन्यासी बना कि यही ब्रह्म ज्ञान था, मुझे तो मांग नहीं रहा था और समाधि भी यही थी। जब अब पढ़ा हमको तो बताने वाला कोई नहीं था, किसे हम बताने गए, वो तो 40 साल पहले सब लग गया था, सब मिल गया। ये तो ये उपचार क्या, कुछ नहीं मिला इसे पाने वाने से, ठीक है ध्यान कर रहा हूँ 30-40 साल पहले अपनी अवस्था में प्रतिष्ठित, तत्काल आपको बोध हो जाता अभय अभयत्व का आप अनुभव करेंगे, आपको किसी प्रेसिंग की प्रीतम की प्रशंसा की धन की शरीर का निर्वहन करना है फिर, लेकिन वो इतना विराट होता है वह ऐश्वर्य अनुभव अनुभूति में उतरता है, फिर छोटी मोटी जो है सो कोई कठिनाई आए, कोई अपमान, कोई दुख, खाना मिला नहीं मिला, ये अपना सत्य बता रहा है ये सच्चिदानंद, फिर वो अनुभूत सत्य है, वो अनुभूति में आ जाए आपके। और तीसरा जो निष्काम कर्म जो कह रहे हैं, यहां शंकर वेदांत लाऊंगा, एक शब्द प्रयोग करते हैं वेदांत में, तो यह है कि जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व जब तक सिद्ध न होगा, बोध नहीं होगा, तब तक बोध नहीं होगा, ये सत्य बात है। लेकिन यहां कह रहे हैं आदिशंकर, और ठीक है कि यहां पर जो निष्काम कर्म योग से ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष की बात कह रही कही जा रही है, तो गौण योग से कही जा रही है, गौण प्रधान योग से नहीं। जैसे उसके लिए उदाहरण बहुत सुंदर इसी अध्याय में था, हमने जो ज्ञान के साधन है उनको भी क्या कहा, ज्ञान, अमानित्वम, अदम्भित्वम, शौचम, ये सब जो बोला क्षमा भाव, इसको ज्ञान कहते हैं। तो वहां पर आदिशंकर यही कहते हैं कि वास्तव में ज्ञान नहीं है, गौण भाव से, ज्ञान के साधन होने से, गौण भाव से इनको ज्ञान कहा गया। उसी तरह से आदिशंकर बड़े तार्किक अकाट्य तर्क देते हैं कि यहां पर जो भी जो शंकर कह रहे हैं तो स्वतः में वह निष्काम कर्म ज्ञान नहीं, लेकिन निष्काम कर्म करने से मन निर्मल अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो क्षण भर में जो कोई कराएगा तो हो जाएगा, उसमें फिर समय न लगेगा, ऊर्जा न लगेगी। जिसका निष्काम कर्म से या भक्ति से चित्त एकाग्र हो गया, मन बाधा तो निर्मल मन की मलिनता ही तो चंचलता है, बाह्यमुखी है, निर्मलता का क्या तात्पर्य है, और अनिर्मल होने का, मलिन होने का, पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ भाग रहा है, सत्य में भाग रहा है। तो निष्काम कर्म से जब चित्त शांत हुआ, मन शांत हुआ, तो एक वहां पर भी एकत्व उसको क्षण भर में होगा, एक क्षण में बोलेगा गुरु, वहां पर बताएगा, तत्काल समझ ले, क्योंकि उसकी वासना नहीं, कामना नहीं, भ्रम नहीं कहीं, मन निर्मल है, तत्काल अपने अंदर बोझ हो जाएगा, ध्यान की विधि से हो जाएगा, सांख्य योग की विधि से हो जाएगा। हमारी बाधा हमारी वासनाएं हैं, आते हैं शिविर में, ध्यान रहता है घर पर, दुकान पर, मकान पर, अपने भविष्य की किसी योजना पर, हमारी वो कल्पना पूरी होगी कि नहीं होगी, हमारी वो वासना मिलेगी ना मिलेगी, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो यहां पर ये पूर्ण रूप से ये सब विधियां अपने आप में सक्षम है। और कृष्ण की उदारता देखो, इसके अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये तो विधियां हैं विद्वानों द्वारा, शास्त्रों द्वारा प्रणत है, इन सबसे तो एक बात यहां पर शब्द उसका निरूपण करना बहुत आवश्यक है। सद्यो सनातन धर्म में वैदिक वाङ्मय में दो बहुत मुख्य शब्द, सद्यो मुक्ति एंड क्रम मुक्ति, वेदांत के अंदर ही बोल रहे हैं, पुराण वाली नहीं जा रहे हैं, बैकुंठ वो तो मुक्ति है ही नहीं, कर बैकुंठ लाक गोलोक धाम वो भी कहते हैं, वो तो ब्रह्म लोक धाम दूसरे प्रकार के, वहां जाकर के सायुज्य सालोक के सामीप्य, वो सायुज्य सालोक के सामीप्य में आता है। यहां पर दो प्रकार की, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति मीन्स इंस्टेंट लिबरेशन, राइट नाउ राइट हियर, जो अष्टावक्र का ज्ञान है या यहां पर जो ज्ञान योग शंकर वेदांत का, राइट नाउ राइट हियर मैंने जान लिया कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, और मेरे चेतन पर ये जड़ के धर्म आरोपित होकर के मैं सुखी दुखी हो रहा हूं कर्ता भोक्ता में, सद्यो मुक्ति हुई, इंस्टेंट लिबरेशन, द मोमेंट यू रियलाइज द अल्टीमेट यूनिटी ऑफ द जीवात्मा विद परमात्मा, यू आर लिबरेटेड राइट नाउ, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। शरीर छूटते हुए विदेह मुक्त हुआ, ब्रह्म में विलीन हुआ, ब्रह्म ही। तो यहां पर जो कृष्ण है वो इन इस कि तीसरी की जो श्रेणी है ना, जो बड़ा निष्काम, वो क्रम मुक्ति बोलते हैं उसको, कि क्रम से मुक्ति का साधन अर्थात ज्ञान का साधन होने से निष्काम कर्म क्रम मुक्ति, सब कुछ तैयार है, अब गुरु मिलेगा कोई एकत्व का बोध करा देगा, उसकी फिर वहां पर सद्यो मुक्ति हो जाएगी। और अगला वाला जो है उसमें सद्यो मुक्ति की संभावना नहीं है, अगले जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं आदिशंकर बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई अगर इनमें से कोई नहीं करता है तो उनका क्या होगा, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और भवसागर में ही फंसे रहेंगे, बल्कि नहीं, इसके ये तो बोल रहे हैं कि जो विधिवत श्रवण मनन निधि ध्यासन चिंतन
देखिए हम जो कुछ भी अपने शिविरों में बता रहे हैं या खुद भी कर रहा हूं, मैं ए प्लस वाला काम कर रहा हूं। मैं बचपन से पैदा हूं, मैं ए पर भी कभी नहीं, ए प्लस पर, ठीक है। तो ये जो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वाले, बाकी भी लड़के पास होते हैं थर्ड डिवीजन से, सेकेंड डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन से और डिस्टिंक्शन से, हम यहाँ 100+ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हतोत्साहित न हो, और कृष्ण यही बात कहने जा रहे हैं, ये तो ए प्लस वाला है, 100+ वाली बात है कि नहीं, तत्काल मुक्ति तो इन विधियों से तो हो जाती है, लेकिन क्या जो श्रवण कर रहा है श्रुति सम्मति जो विद्या है उसको समझ में नहीं आया है, डल माइंडेड है। तीन कैटेगरी इसमें निखिलानंद जी के भाष्य, आदिशंकर के भाष्य के आधार पर, मंद बुद्धि, मिडिल, मध्य बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि। ये विद्याएं पहली दो वाले कुशाग्र बुद्धि वाले की है, ध्यान में तत्काल जाकर। ये निखिलान स्वामी, विशेष रूप से स्वामी निखिलानंद ने कहा है कि पहली जो तत्काल अभी जाकर के जो पंचेंद्रिय, वो अपरोक्षानुभूति जो आदि शंकराचार्य की है उसमें यही बस, वो श्रेष्ठतम बुद्धि वालों के लिए है, हाईएस्ट लोगों के लिए, वो क्षण भर में घट सकती है, एक दिन दो दिन में गुरु करा सकता है अगर वो निर्मल तैयारी है। तो कुशाग्र बुद्धि वालों के जो ये चिंतन मनन करना पड़ेगा जड़ का चेतन से, ये मिडिल वालों के लिए, मध्य बुद्धि वालों के लिए, और निष्काम कर्म के माध्यम से कर्म लगेगा वो निम्न इन्फीरियर बुद्धि वालों के लिए है, मंद बुद्धि वालों के लिए है मार्ग करके। अब ये कहने पर लोग बड़े, अच्छा मेरे को मंद बुद्धि वाला कह रहे हो, मैं भक्ति मार्ग वाला हूं निष्काम, अरे मूर्ख, ये भी ज्ञान है, तू अहंकार पाल रखा है तो तू आ जा, तेरे को ही ब्रह्मज्ञानी घोषित कर देता हूं, कर ले, कर लिया है सबने, कर लिया है ना, ब्रह्मज्ञान बांट रहे थे, अभी जेल में पड़े हुए हैं कुछ कुछ, 1% गए हैं, 99% अभी चला रहे हैं आश्रम सब अपने ब्रह्मज्ञानी का उद्घोष करके, नीले मिर्च लाल टमाटर बांट के ब्रह्मज्ञान बांट रहे हैं, भूत भगा रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या बच गई है, पतन की हमारी कहां तक इस सनातन संस्कृति की। तो वहां पर अब कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी अगर श्रवण मात्र भी आकर के, अर्जुन ने तो ही प्रश्न किया था कि हे प्रभु अगर परम तत्व को अगर प्राप्त नहीं हुआ और ये दान जप साधना ये शरण मरण चिंतन अगर कर रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ तो क्या उसके ये कर्म नष्ट हुए? तो बोले कुछ भी नष्ट नहीं है, जरा सा भी इस पथ पर किया गया कर्म महत भय, महत भय क्या है, जन्म मृत्यु के भय से बचा लेता है, वह जहां तक उसकी यात्रा हुई है अगले जन्म में उसको उसके अनुरूप अच्छा परिवार, अगर परिवार समस्या रहा, देश समस्या रहा, काल समस्या रहा था, वो सब आयोजित करके परमात्मा उसको पुनः सुअवसर देता है, आगे की यात्रा तैयार करो। ये माताजी उसके साक्षात उदाहरण है, आप फकीर चंद जी इसके साक्षात उदाहरण है। अब बचपन से जो अगर इनको संस्कार उस तरह से नहीं मिला रहता तो वहां पर भक्ति मार्ग है, हिमाचल प्रदेश में वैष्णव संप्रदाय बहुत ही प्रबल है, घर घर, और ये वैसे परिवार में पैदा हुई है, लेकिन वहां पर पिछले जन्म की कहीं ना कहीं प्रारब्ध की स्थिति, और परमात्मा सब करता है तत्व ईश्वर सत्ता, तो इनके बचपन से वेदांत की अभिरुचि हो गई है और वही अभिरुचि इनकी संतानों में हो गई है प्रारब्ध, तो पिछले जन्म का जहां तक हुआ है असफल हो गए तो अब एक थोड़ा सा सुअवसर दिया है, अब उन बाधाओं को काटते काटते करके चले जाना है। अब आपको अगर ये स्थिति नहीं रहती तो आपको बचपन से जाकर के झोला लेकर के संतों को ला करके घर पर ठहरा, आप दरिद्र घर में भी तो पैदा हो सकते थे, या अंबानी के घर ही पैदा होते तो उसका चपरासी भी किसी संत का तो झोला उठाने नहीं जाएगा, लेकिन आपको ऐसा अवसर दिया संस्कार परिवार सबने, हाँ जाकर लाओ संत आए हैं उनका सम्मान करो, ये करो। लुधियाना में जो गया था, सरदार परिवार है लेकिन मुझे आश्चर्य का ठिकाना, छोटी सी उनकी पोती थी वो आई थी स्टेशन पर रिसीव करने के लिए पुष्प वृष्टि, वो बोले कि ये कल ही से स्वामी, वो शब्द क्या बोला बड़ा मार्मिक है, बोले कि कल से महाराज जी बोल रही थी कि भगवान जी आएंगे ना तो हमको भी ले चलना, उनसे हम भी चलेंगे रिसीव करेंगे और मिलवाना भगवान जी, कभी उसने स्वामी जी संत ने, और बोले कि संतों को तो भगवान जो संस्कार डाल दिए है ना, अब पूर्व जन्म के कर्म तो होंगे ना, और किसी दिन नहीं, बोले कि नहीं मैं भी चलूंगा भगवान जी के दर्शन करूंगा, भगवान जी से मिलवाना, और अब ये पूर्व जन्म के कर्म है, आपके पूर्व जन्म के कर्म है, पुनः अवसर दे रहे हैं आपको। तो अन्य मार्ग वाले भी, अब इनके श्लोक ही सुनो क्या कहते हैं कृष्ण अगले श्लोक में, य
यावत् संजायते किंचित् सत्वम् अस्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। नहीं, इसके पहले वाला श्लोक छोड़ दिया। अन्येत्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रोति परायणाः। इसमें बड़ा एक सुंदर आपको बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। अब पहले इनका शाब्दिक हिंदी सुन लो, नहीं तो मैं भटक के व्याख्या करने लगूंगा। परंतु ये बताया कि तीन मार्ग बताया, लेकिन अब बोल रहे हैं लेकिन क्या बाकी वाले अनंत काल तक रहेंगे बंधन में? नहीं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, इन्होंने भी कम से कम यह स्वीकार किया। जयदयाल गोदखा ने भी व्याख्या किया आदिशंकर की व्याख्या में कि इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात अन्य गुरुओं से संतों से जो इस तत्व को जानते हैं, जिसकी व्याख्या करते हैं शास्त्र समत, तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। मंत्र दे दिया या उपासना की विधि बता दी, बस उस तत्व को नहीं जानता है, लेकिन उसकी साधना करते हैं। ऐसे वह साधना करता है और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार को निसंदेह तर जाते हैं। वो भी श्रद्धा, लेकिन उसके लिए भी श्रद्धा तो चाहिए, यहां तो श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा रहे, श्रद्धा भाव से गया, श्रवण किया, जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ गुरु है जहां पर भी उसका चिंतन मनन चल रहा है, तो तत्व को नहीं हम, ये मैंने देखा है मेरे गुरुदेव के यहां आने वाले अधिकांश लोग वो वेदांत शब्द तो कहते थे अहंकार में, हाँ वेदांत पर बोलते हमें बड़ा अच्छा लगता है, वेदांत का कुछ नहीं जानते थे। शिष्य को बोल रहा हूं ना, अधिकांश जो आए हमने जब उस पर डाला तो मिले सारे शिष्य भी, कुछ उनका लेना देना नहीं, लेकिन गुरुदेव और उनके शब्दों में निष्ठा इन सबों की बड़ी गहरी थी। और वो मैंने देखा कि इसका कल्याण का मार्ग बड़ा ही जोर गति से आगे बढ़ा है। कहां तक पहुंचेगा अलग बात है, गति जबरदस्त मिली है गुरुदेव के दर्शन से ही, और उस उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके शब्दों में जिस भाव से आते थे, वो मैंने साक्षात देखा हुआ है। तो जहां कहीं भी वैसे संत हैं, वैसे उस तत्व को प्राप्त लोग हैं, उनके साथ यही तो सत्संग है, उनके साथ उठना बैठना संग करना, वह भी उसका भी जो आश्रय लेता वह भी तर जाता है, वह इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। ये कृष्ण कह रहे हैं।